So we have to find the rate of the following. PCl5 giving PCl3 plus Cl2. इसका हमें रेट निकालना है. तो हमें रेट का फॉर्मूला मालूम है. रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. और इसमें हम हमेशा क्या देंगे? माइनस साइन देंगे. तो यहाँ पे हमने डेल्टा बिठाया. फिर हम थर्ड ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लिखते थे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है PCl5, हमने लिख दिया. और नीचे डेल्टी इक्वल टू हम क्या बोलेंगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होता है. तो इसके सामने कोई निगेटिव नहीं है, प्लस है. तो पहला हमारा क्या है? PCl3, हमने PCl3 लिख दिया. फिर है टाइम, तो हमने डेल्टी लिख दिया. फिर ये Cl2 है, तो इसके सामने हमने डेल्टा, ये जो Cl2 लिख दिया, फिर डेल्टी. ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा, देखिए Hg+Cl2 गिविंग HgCl2. इसका रेट का साइन होगा माइनस डेल Hg/डेल्टी, क्योंकि ये हमारा रिएक्टेंट है. और यहाँ पे आप देखिए ये भी रिएक्टेंट है, तो इसके सामने भी जो है ना निगेटिव साइन बैठेगा, क्योंकि ये भी क्या है? हमारा रिएक्टेंट भी है. ये भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होगा. फिर इसके सामने हमने पॉजिटिव दिया डेल्टा HgCl2/डेल्टा t. तो ऐसे हम क्या निकालते हैं? रेट ऑफ द रिएक्शंस को.